चाणक्य के समसामयिक विशेष में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है नगोजी इकोजो इवेला। इस विषय के अंतर्गत हम देखेंगे कि यह चर्चा में क्यों है और इवेला के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं यह विषय चर्चा में क्यों है। यह विषय चर्चा में इसलिए है कि विश्व व्यापार संगठन के नव नियुक्त प्रमुख के रूप में नगोजी इकोजो इवेला ने कार्यभार संभाला है और इतिहास में यह पहली महिला है जिन्हें यह कार्यभार दिया गया है। इनके पास अमेरिका की नागरिकता के साथ दोहरी नागरिकता है। इस प्रकार यह पहली अमेरिकी नागरिक है जिसने यह कार्यभार संभाला है। विश्व व्यापार संगठन में 164 सदस्य हैं, जिन सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से इन संगठन के रूप में महानिदेशक के रूप में इवेला को चुना है। इनका कार्यभार 4 वर्ष का है और 1 मार्च 2021 से ये अपना कार्यभार संभालेंगी। अब हम नगोजी अकोजो इवेला के बारे में विस्तार से बात करेंगे। इनका जन्म 1954 में नाइजीरिया में हुआ है। नाइजीरिया एक अफ्रीकी देश है और राजनीतिक और आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़ा हुआ देश ये माना जाता है। राजनीतिक रूप से काफ़ी अस्थिर भी रहा है और यहाँ से ये 73 के अंदर अमेरिका चली गई थी। 73 से 76 के बीच में इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रहकर पढ़ाई की है और इसके बाद इन्होंने MIT से 81 में PhD की डिग्री हासिल की है। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि नाइजीरिया आर्थिक रूप से काफ़ी अस्थिर देश रहा है और इस अस्थिरता से अपने देश को उबारने में इवेला ने काफ़ी काम किया है। 2005 में नाइजीरिया पर $18 अरब का कर्ज इन्होंने खारिज करवाया। इसके बाद इस देश को पहली बार सोवरेन्स डेट रेटिंग हासिल हुई, जिसका मतलब है कि अब दूसरे देश इस देश को कर्ज देने के लिए तैयार हो गए और ये रेटिंग मूडीज द्वारा दी जाती है। इस प्रकार इन्होंने आर्थिक क्षेत्र में भी अपने देश में काफ़ी सुधारात्मक कार्य किए। इवेला ने जो सुधारात्मक कार्य किए उसमें एक कार्य ये भी था कि इन्होंने अपने देश में भ्रष्टाचार को दूर करने में भी काफ़ी सहयोग दिया। नाइजीरिया के अंदर बहुत सारे लोग थे जो फर्जी रूप से सरकारी कर्मचारी बने हुए थे, फर्जी पैरोल पाते थे और फर्जी उनके जो है पेंशन्स आती थी। इन लोगों की पहचान करके इन सभी लोगों को इन्होंने पैरोल से हटवा दिया, तो भ्रष्टाचार को सीमित करने में भी इनका योगदान काफ़ी रहा है। नगोजी ने वित्त मंत्री के तौर पे जो भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कार्य किए, उसके बाद इनको इसकी कीमत निजी तौर पे भी चुकानी पड़ी। सुनने में ये फिल्मी लगता है, लेकिन वहाँ इसके एवज में इनकी माँ का अपहरण कर लिया गया था और बदले में फिरौती के रूप में इनसे वित्त मंत्री के रूप में इस्तीफे की मांग की गई थी। कहा गया था कि आप वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दें, उसी के बाद आपकी माँ को छोड़ा जाएगा, लेकिन इन्होंने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया और इसके कुछ टाइम बाद ही अपहरणकर्ताओं ने इनकी माता जी को छोड़ भी दिया था। अब हम बात करेंगे इनके करियर के बारे में। विभिन्न संस्थाओं में और अपने देश में इन्होंने कई पद भार संभाले हैं। ये वर्ल्ड बैंक के साथ डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट के तौर पे 25 साल तक रही हैं और 2007 से 11 के दौरान प्रबंध निदेशक भी रही हैं। नगोजी 2003 से 2006 और 2011 से 2015 के दौरान 2 बार नाइजीरिया की वित्त मंत्री भी रही हैं और इस पद को संभालने वाली ये पहली अफ्रीकी महिला भी हैं। इसके साथ ही ये 2006 में नाइजीरिया की विदेश मंत्री भी रह चुकी हैं। जून 2020 में इन्हें WTO के इस पद के लिए प्रतिनिधि के रूप में चुना गया था। अब हम बात करेंगे विश्व व्यापार संगठन के बारे में। विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है। इसकी स्थापना 1995 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाए गए गेट के स्थान पर की गई है। WTO का मुख्यालय जिनेवा में है और इसके महानिदेशक भी जिनेवा में ही रहते हैं। सचिवालय संगठन के सभी पहलुओं के संचालन का प्रशासनिक कार्यभार संभालता है और इसके साथ ही सचिवालय के पास कोई कानूनी निर्णय लेने की शक्ति नहीं है, लेकिन ऐसा करने वालों को ये सलाह और परामर्श देता है। अब बात करेंगे विश्व व्यापार संगठन की संरचना पर। इसकी संरचना में मुख्यतः ही 5 भाग होते हैं। पहला होता है मंत्री स्तरीय परिषद, उसके बाद आता है सामान्य परिषद,
फिर व्यापार नीति समीक्षा निकाय, विवाद निपटान निकाय, वस्तुओं एवं सेवाओं में व्यापार पर परिषद, ये 5 संस्थाएं मिलकर इसके सारे कार्य करती हैं। इसके साथ ही इस वीडियो में हमने इस विषय पर सारी जानकारियां आपको दे दी हैं। उम्मीद है कि आपको ये विषय बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम देखेंगे आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है। कथन 2, इसकी स्थापना 1998 में की गई है। कथन 3, WTO का मुख्यालय जिनेवा में है। उपरोक्त में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 2 और 3, विकल्प सी 1 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। कमेंट सेक्शन में आप अपने उत्तर अवश्य दीजिएगा। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब है विकल्प बी, यानी कि केवल 2। असत्य कथन है केवल 2। राष्ट्रपति का ये निर्णय यानी कि दया याचिका से संबंधित जो निर्णय है, राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर नहीं लेता है, बल्कि गृह मंत्रालय के पक्ष के आधार पर लेता है। जो गृह मंत्रालय लिखित में उसको अपना पक्ष बताता है उसके आधार पर लेता है। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।